खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ की प्लाट अलॉटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुंजमद की गई जायदादें बहाल की जाएं। ये तहरीरी फैसला एहतिसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि अदालत तीन बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बुरी करने का हुक्म देती है। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मिस्तबकुल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। मरकजी मुलजमान को जो रिलीफ दिया वही नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। मरकजी मुलजमान के साथ इश्तिहारी भी इसी सजा रिलीफ का मुस्तहिक होता है। जज ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुलजमान को दिया गया, इसलिए ये अदालत नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जायदादों में हिस्सादारों की जायदादों को गैर मुंजमद करने का हुक्म देती है। अदालती फैसले की कापी चेयरमैन नैब समेत दीगर मुतालिका इदारों को इरसाल की जाए।